हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनएस लाइव पे। गाइस, बीसीसीआई ने 28 साल के एक खिलाड़ी की अचानक किस्मत खोल दी है। आपको बताएं कि ये खिलाड़ी फरवरी 2022 से टीम इंडिया से बाहर चल रहा है। अब उसे वनडे टीम की कमान सौंपी गई है, जिनसे काफी उम्मीदें रहेंगी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट ने दुनिया को एक से एक कमाल के खिलाड़ी दिए हैं। कई खिलाड़ियों ने इतिहास में भारत का परचम लहराया, तो अब कई खिलाड़ी नई इबारत लिख रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक खिलाड़ी है जो कप्तानी की जिम्मेदारी निभाएगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 28 साल के एक खिलाड़ी की अचानक से किस्मत खोल दी है। जिस खिलाड़ी का जिक्र हो रहा है, वो फरवरी 2022 से टीम इंडिया से बाहर चल रहा है। अब उसे भारत के घरेलू वनडे टूर्नामेंट में टीम की कमान सौंपी गई है। एंड गाइस, आपको बताएं कि इस टीम में रिंकू सिंह भी शामिल है, जिन्होंने आईपीएल के पिछले सीजन में धमाल मचाया है और पारी के आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़े थे। गाइस, बात हो रही है वेंकटेश अय्यर की, जिन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ जारी सीरीज के लिए किसी भी फॉर्मेट में जगह नहीं दी गई है, लेकिन बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने वेंकटेश अय्यर पर भरोसा जताया है और उन्हें सेंट्रल जोन टीम की कप्तानी सौंपी है। गाइस, आपको बताएं कि वो घरेलू वनडे टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन टीम का कप्तानी करते नजर आएंगे। और दिलचस्प बात है कि टीम में रिंकू सिंह भी शामिल है और दोनों ही आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। गाइस, आपको बताएं कि वेंकटेश अय्यर ने अभी तक भारत के लिए 11 मैच खेले हैं, इनमें 2 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच शामिल है। हालांकि वो बल्ले से खुद को साबित नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने 2 वनडे में टोटल 24 रन बनाए हैं और 9 टी20 मैचों की 7 पारियों में केवल 133 रन बनाए हैं। गौरतलब है, वनडे में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। गाइस, आपको बताएं कि वो भारत के लिए आखिरी बार फरवरी 2022 में श्रीलंका के खिलाफ धर्मशाला में टी20 मैच खेले थे, लेकिन अब उन्हें सेंट्रल जोन टीम की कप्तानी सौंपी गई है। तो गाइस, आइए देखते हैं देवधर ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन टीम में कौन कौन खिलाड़ी शामिल है। तो गाइस, टीम में माधव कौशिक, शिवम चौधरी, यश दुबे, यश कोठारी, वेंकटेश अय्यर कप्तान, रिंकू सिंह, आर्यन जुयाल, उपेंद्र यादव, कर्ण शर्मा, यश ठाकुर, अनिकेत चौधरी, आकाश मधवाल, मोहसिन खान और शिवम मावी। तो गाइस, आप वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह में से किनके फैंस हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, अगर आप लोग स्पोर्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।